अटेंडेंस सिस्टम में हमारा ये हो गया था सर, ऐड वाला हो गया था ना, मार्क वाला नहीं हुआ था। तो यहाँ से मैं जैसे अटेंडेंस आज की डेट में चूज किया, ठीक है। तो ये वाली फाइल ओपन करते हैं एक बार अटेंडेंस सिस्टम में। ये था हमारा मार्क अटेंडेंस फाइल। मार्क अटेंडेंस फाइल में बैकएंड में हमारे पास दो ही एंट्री है, तो दोनों एंट्री हमारे यहाँ पर रिट्रीव हो रही है, ठीक है। आईडी 102। सो हमें बेसिकली ये चेक करना था कि जो हमने डेटा यहाँ से सबमिट किया उसमें क्या क्या रिसीव हो रहा है हमें। तो हमने टेस्टिंग के लिए पोस्ट को गेट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो जब हमने यहाँ से मार्क किया तो ऊपर क्या आया यूआरएल में, डेट इक्वल टू आज की डेट, अटेंडेंस प्रेजेंट, अटेंडेंस और अब्सेंट, ठीक है। तो वन का आ गया प्रेजेंट और टू का आ गया अब्सेंट, ये हमने चूज़ किया। तो डेटा तो हमारा पहुंचा है ऊपर लेकिन सबमिट नहीं हुआ बैक एंड में। भाई परसेंट 5 का क्या आईडी देखते हैं करो, यहां पर एक बार क्वेरी चेक करो, फॉर ईच पोस्ट अटेंडेंस एज स्टूडेंट आईडी स्टेटस क्वेरी इंसर्ट इनटू। ऑडियो चेक कीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो इज क्लियर, आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर, ठीक है। अपने बैच तो सारे लोग हैं ना, दर्शन एंड प्रिंस ने वहां से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, कोड पर आइए वापस, इंसर्ट इनटू अटेंडेंस स्टूडेंट आईडी डेट स्टेटस वैल्यू स्टूडेंट आईडी, यहां गलती है स्टेटस में, हमारा कोर्ट में नहीं गया। यहां से करेंगे बैक और फिर से मार्क अटेंडेंस पर आएंगे। हमने डेट चूज किया प्रेजेंट, मार्क अटेंडेंस, इसके बाद अटेंडेंस में चेक करेंगे, ठीक है। अभी भी कहीं पर फॉल्ट नहीं बता रहा है। हमने लिखा है इंक्लूड डीबी कनेक्शन, अच्छा नीचे गेट चल रहा है ना, हम लोग डेटा भेज रहे हैं पोस्ट से, तो इसको गेट पर सेट करो वापस से। पोस्ट कंट्रोल एस, रिफ्रेश करेंगे अगेन, मार्क सेलेक्ट अटेंडेंस मार्क सक्सेसफुली, काम कर गया। तो ये देख रहे हो यहाँ पर ये जो आईडी आया है, ये आया हमारा इसका बेसिकली जो हम लोगों ने यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया, और ये आईडी आया उसका कि किस बंदे की आईडी मार्क हुई है, ठीक है। यानी कि अगर वन की मार्क हुई तो वन का आ गया, टू की मार्क हुई तो टू का डेटा आ गया इसके अंदर। तो जरा एक यहाँ पर एक नई एंट्री डाल के देखते हैं हम लोग, यहाँ से करेंगे बैक करके यहाँ से हम लोग करेंगे ऐड, और यहाँ से हम एंट्री बना लेते हैं, जैसे तुम्हारा मेरा हो गया था ना, तो जैसे नीरज का बना लेते हैं, काम करते हैं नीरज का नेम और ये हमने लिया यहाँ पर, और नीरज की आईडी को कट करके यहाँ डाल देते हैं सेम। एंड ऐड बैक करेंगे, यहाँ से मार्क में जाएंगे तो यहाँ पर हमें नीरज का डेटा देखने के लिए मिल रहा है। तो नीरज का अगर हम लोग यहाँ से मार्क कर देते हैं अब्सेंट, ठीक है, और बाकी को प्रेजेंट पर।
हैं नीरज की एंट्री क्या दिखा रहा है, नीरज की अब्सेंट पर एंट्री बन रही है, यानी प्रेजेंट अब्सेंट पर एंट्री जा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 1 2 3, यानी कि आईडी हमारी सही काम कर रही है। तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो रिक्वायरमेंट टेस्टिंग के पर्पज से लगाए हुए हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि भाई यूज़र की चॉइस है ना कि वो किसके लगाना चाह रहे हैं। मान लो क्लास में 5 स्टूडेंट है या 10 स्टूडेंट है, हो सकता है 2 या 3 उसके अंदर नहीं है, तो रिक्वायर्ड मत करो सबको, नहीं तो उससे क्या होगा सबकी एंट्री बैटन में जाएगी। हमें सिर्फ उसकी एंट्री भेजनी है जो यूज़र अवेलेबल हो या जो यूज़र अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को ऑलरेडी मार्क होगी तो दोबारा मार्क मार, जैसे डबल एंट्री बन गई ना यहाँ पर, तो एंट्री डबल नहीं होनी चाहिए वो चीज़। या फिर हम लोग थोड़े से और लॉजिक लगा के ना पर्टिकुलर उसको जिसकी मार्क हो गया उसको बंद भी कर सकते हैं, डिसेबल मार सकते हैं जिसकी मार्क है ऑलरेडी, तो ये भी हम लोग करवा सकते हैं इसके अंदर। अब ज़रा इसका स्टेटस व्यू वाला हमें बनाना पड़ेगा कि जब लोग इसको व्यू स्टेटस करें तो हमें इसका दिख जाए कि भाई, तो यहाँ जाके व्यू के लिए आप काम करें। तो व्यू वाली फाइल में आइए और यहाँ पर लिखिएगा VS फाइल और यहाँ से एंटर, यहाँ जाएंगे लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट रूम डॉट कॉल और यहाँ लिख दीजिए व्यू अटेंडेंस। तो इसका मतलब हमारा जो इसमें फॉल्ट रहा कोड के अंदर मार्क वाले में, वो यहाँ था फॉल्ट, स्टेटस जो है हमारा विदाउट कोड चला गया था जिसकी वजह से दिक्कत आई है बेसिकली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्योंकि इन चीज़ों का ना एरर नहीं बनता, क्योंकि जब तक हमारा पोस्ट पे कल लगा हुआ था लास्ट क्लास में तो वो हमें मार्क सक्सेसफुली रिटर्न कर रहा था स्टेटस, लेकिन बैकेंड में डेटा नहीं जा रहा था और इसका कोई एरर कोड भी हमें वहीं नहीं दिखा, वहाँ नहीं दिख रहा था कि भाई क्या फॉल्ट है। तो इस केस में ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पर एक बार चेक कर लेना है कि भाई यहाँ पर क्या फॉल्ट है हमारे इस कोड के अंदर। और बाकी नीचे ये हमने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर गेट कर लिया था, इसको आपने वापस से पोस्ट करना है क्योंकि हम लोग ऊपर डेटा पोस्ट की हेल्प से इसमें यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए तो चलिए व्यू में आते हैं और इस पर काम करेंगे। व्यू अटेंडेंस, तो यहाँ पर आपने एक काम कर लेना है, एक नया रो बनाइए डॉट रो डॉट कॉल और इसमें हम लोग एक बना लेंगे टेबल PS5 टेबल डिफॉल्ट और सबसे टॉप पे लाके आपने अपना PHP कोड जो है वो फाइल को इंक्लूड कर लिया है। लिखेंगे इंक्लूड हमारी फाइल का नेम DB कनेक्शन डॉट PHP और ये आ गया अपना यहाँ पर टेबल। टेबल के अंदर आपने क्या क्या दिखाना है वो अपना मेंशन कर लो, जैसे कि एक रहेगा डेट, एक रहेगा स्टूडेंट नेम और एक रहेगा स्टेटस, ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। यहाँ से इसको और यहाँ से ये हमारा लूप हो जाएगा, ठीक है, पहला पार्ट यहाँ से हटा दें। तो टी बॉडी के अंदर हम लोग एंटायर TR को जो है वो बेसिकली लूप में चलाएंगे। तो यहाँ जाकर आप डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क PHP और यहाँ पर इंटर क्लोज और इस TR के बाद में अगेन क्वेश्चन मार्क PHP और यहाँ पर तो लूप चलेगा तो यहाँ के बंद हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ जाके डिफाइन कर लेंगे वेरिएबल लाइक क्वेरी इक्वल टू लिखिएगा सेलेक्ट, यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे ऑल डेटा फ्रॉम और हमारे टेबल का नेम क्या है अटेंडेंस यहाँ पर, ठीक है, इसको कॉल करेंगे
सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम अटेंडेंस, ये अपना डिफाइन, और नीचे का डिफाइन करेंगे डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूआई क्वेरी कनेक्शन और क्वेरी। हमने आई थिंक सिंगल सी बनाया हुआ है ना, तो सिंगल सी ही लगाइएगा इसमें, सी सिंगल आंसर। और यहाँ जाकर हमने लिखा वाइल लूप, रो माइस्लाइव फैच एसोसिएटिव एरे रिजल्ट, और इसको यहाँ पर नीचे ला कर अपने क्लोज कर देंगे, तो ये लूप हमारा पूरा हो गया। पूरा जो डेटा है हम लोग रो वेरिएबल से फैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क पी एच पी क्वेश्चन मार्क क्लोज एको डॉलर रो, रो के अंदर हमें यहाँ पर डेट को कॉल करना है। तो हमने यहाँ पर देखो क्या क्या फील्ड बनाए, डेट और स्टेटस इस तरह से। तो ये अपना डेट आ गया, हमने क्या बनाया स्टूडेंट नेम, और एक बनाया हमने स्टेटस। ये हमारा स्टेटस का पार्ट आ गया इसके अंदर। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए नेम, तो नेम वाला जो काम हमने किया हुआ है वो हमारा कौन सी टेबल में, स्टूडेंट के अंदर, यहाँ से हमने नेम उठाना है इसका। तो नेम अभी काम नहीं करेगा, तो इसको रोको ज़रा, पहले इतना चेक करो क्या ये दो डेटा हमें रिसीव हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ कमेंट लगाना है, और अपनी फाइल को लेके यहाँ जाइए, बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, व्यू अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर डेट आ गई अपनी, और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट ऑप्शन का डेटा दिखना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें नेम और लेके आना है, तो नेम लाने के लिए आपको यहाँ पर दो टेबल को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं इनर जॉइन, यानी कि इनर जॉइन, ठीक है। फॉरेन की यूज़ होती है जब हम लोग बाहर डेटा भेजते हैं, मतलब एक डेट टेबल से दूसरे टेबल में डेटा डाल रहे होते हैं, तब फॉरेन की चल रही होती है। तो इनर जॉइन के अंदर आपने यहाँ जाके लिखना है हमारा दूसरा डेटा बेस में टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिखो इनर जॉइन, स्मॉल में लिखना है STUDENTS, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑन ऑन अटेंडेंस इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स डॉट, क्या था स्टूडेंट नेम ना, ओनली नेम है, नेम स्टूडेंट डॉट नेम, जरा चेक करो इसको क्या रिजल्ट आता है इसका, अनकॉट टाइप एरर माय स्लाइड फैच, आर्ग्यूमेंट वन रिजल्ट मस्ट बी टाइप मैस्कुलाइन अंडरस्कोर रिजल्ट विल डी दिस प्रोजेक्ट्स डीजल, ठीक है। व्यू अटेंडेंस, व्यू अटेंडेंस लाइन नंबर 43 कहाँ गड़बड़ है, सेलेक्ट ऑल डेटा स्टूडेंट्स, तो फिर इसको ना ऑल से मत निकालो, आप डेटा को ना मैनुअली करके निकालो इसके लिए। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर लिखिए अटेंडेंस डॉट, अटेंडेंस के अंदर हमारा क्या वो है कॉलम डेट कॉमा स्टूडेंट्स डॉट नेम, एक अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस वाला टेबल से हम लोग डेट ले रहे हैं, स्टूडेंट्स वाले टेबल से हम लोग नेम ले रहे हैं, फिर हम लोग डिफाइन करेंगे अटेंडेंस डॉट स्टेटस, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम अटेंडेंस ठीक है। तो ये इसी ऑर्डर में हम लोगों ने यहाँ पर अपना डिफाइन किया है, डेट स्टूडेंट नेम एंड
स्टेटस, तो डेट स्टूडेंट्स हमने नेम लिया, अटेंडेंस स्टेटस में स्टेटस लिया गई, फ्रॉम अटेंडेंस इनर जॉइन इनर जॉइन, और फिर आप यहाँ डिफाइन कर दें एस टी यू डी एन टी इनर जॉइन स्टूडेंट्स ऑन स्टूडेंट्स डॉट नेम, ट्राई करके देखें। मिस्टेक है बट एरर नहीं है हमारा, अटेंडेंस एडल्टी एन डी एन सी स्टूडेंट्स नेम अटेंडेंस स्टेटस फ्रॉम अटेंडेंस इनर जॉइन बैक एंड में हो जा रहा एक बार, अटेंडेंस सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट इंसर्ट अपडेट डिलीट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट आईडी स्टूडेंट डेट स्टेटस फ्रॉम अटेंडेंस वेयर, इनर जॉइन स्टूडेंट्स ऑन अटेंडेंस डॉट एस टी यू डी ई एन टी अंडर स्कोर आई डी इक्वल टू स्टूडेंट डॉट आई डी, स्टूडेंट्स इज अ टेबल उसका आई डी कॉलम, और यहाँ लगा दो ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय अटेंडेंस डॉट यहाँ पर डेट, भी जरा चेक करके देखो स्टूडेंट नेम, सेलेक्ट अटेंडेंस डॉट डेट स्टूडेंट्स डॉट नेम अटेंडेंस डॉट स्टेटस फ्रॉम अटेंडेंस, और इनर ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स को ऑन अटेंडेंस डॉट स्टूडेंट आई डी इक्वल टू स्टूडेंट डॉट आई डी, क्योंकि स्टूडेंट आई डी के अगेंस्ट हमने स्टूडेंट आई डी को आई डी के अगेंस्ट स्टूडेंट आई डी को पास किया, तो यहाँ पर आई डी के अगेंस्ट स्टूडेंट आई डी, ठीक है, तो अटेंडेंस डॉट स्टूडेंट आई डी अटेंडेंस डॉट स्टूडेंट आई डी, ठीक है, ऑर्डर बाय अटेंडेंस डॉट डेट यहाँ पर होना चाहिए, तो बस यहाँ पर इसको अब अनकमेंट करके चेक कर लो, मेरे ख्याल से हो गया हमारा काम, कहाँ चला गया, तो अगर ये लॉजिक सही लगा है और एरर नहीं आ रहा है तो नेम में हमारा नेम आना चाहिए, हमने क्या लिखा है डेट, यहाँ पर क्या लिखेंगे नेम, ठीक है, तो दो टेबल से डेटा ऐसे निकालते हैं, तो इसका ऐसा समझो जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना, तो मान लो कि तुषार ने अकाउंट वहाँ पर बनाया हुआ है, तुषार ने क्या लिया तो ऑर्डर वाली टेबल से वो निकल के आ जाता है डेटा उसका, ठीक है, तो वो इस तरह से डेटा इधर उधर से ला के पूरा पूरा आपका प्रोफाइल बन के तैयार हो जाता है, या जैसे जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर में क्या होता है, हम तो सीधे एक बार अकाउंट बना लिया सीधे ऐड टू कार्ट के और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं पेमेंट करके, तो उससे कैसे पता है कि कौन बंदा था या क्या कैसे कैसे चीज़ें, तो वो आपकी यूज़र से आपका नेम निकालता है, प्रोफाइल से आपका एड्रेस उठाता है और वो पूरा करके एक कंसोलिडेट आपकी फाइल बना देता है उस चीज़ की, जो स्लिप जो देखते हैं ना हम लोग जो प्रिंट होकर आती है, वो अलग अलग डेटाबेस से इनर ज्वाइन हो रहा होता है डेटा, वो बार बार ये नहीं कि नेम हर बार अलग अलग टेबल में जाएगा, नहीं, तो वो नेम को ऐसे शेयर करते हैं इनर ज्वाइन के लिए,
तो ये प्रैक्टिस क्यों करी थी हमने, इसलिए ताकि आपको पता चले कि दो जगह से डेटा कैसे लेना होता है टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इजीली आप समझ में आ गया कि कैसे काम करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है अटेंडेंस डॉट डेट स्टूडेंट डॉट नेम देन ये, तो ये यहाँ पर ऑल हम लोग इसलिए नहीं चला रहे क्योंकि ना यहाँ पर डेटा का जिस तरह से आप रिट्रीव कर रहे हो उसी फ्लो में आपको यहाँ पर मैंशन भी करना है, ऑल वाली क्वेरी यहाँ नहीं चलानी, क्योंकि यहाँ पर ये तीन चीज़ें अगर आप ले रहे हो तो अगर मैं ऑल कर दूंगा तो ये स्टूडेंट नेम को किससे लोगेगा। तो वन बाय वन अपने फील्ड लेने, अटेंडेंस से डेट का कॉलम लिया, स्टूडेंट से नेम का कॉलम लिया, अटेंडेंस से स्टेटस का कॉलम लिया, आगे गए फ्रॉम अटेंडेंस, ठीक है, और उसके बाद में इनर ज्वाइन में से करा के हम लोगों ने स्टूडेंट से क्या निकाला, इस अटेंडेंस डॉट स्टूडेंट आई डी के अगेंस्ट स्टूडेंट्स डॉट आई डी एंड ऑर्डर बाय अटेंडेंस डेट। तो जिसके अकॉर्डिंग भी आप ऑर्डर करना चाहते हो, ऑर्डर बाय हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे भी हमने करना चाहते हैं कर सकते हो। तो जरा एक बैक डेट में अटेंडेंस मार करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या स्टेटस आता है। और दूसरा यहाँ से ना वो निकालना है, क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड मार्क, नीचे आओ, कंट्रोल एस, यहाँ पर हमने क्या रिफ्रेश, इधर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करेंगे बैक, ऐड में जाओ, एक नई एंट्री बनाते हैं नितिन और नितिन की आईडी, यहाँ से मैं बोला ऐड और एक बना देते हैं सौरभ, सॉरी बाहर हो गया, बैक एंड में जाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये हमारा डेटा आ गया, इसमें मार्क करते हैं यहाँ से अटेंडेंस, सबका रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो जैसे 27 का हम लोग ले लेते हैं, तो 27 में कौन कौन आया था, सारे लोग अवेलेबल थे, जैसे 24 का डेटा बनाते हैं, 24 को सौरभ नहीं था ना, कौन था, तुषार, तो यहाँ से तुषार के एब्सेंट, बाकी सब प्रेजेंट, बैक करेंगे यहाँ से, और यहाँ से व्यू अटेंडेंस में आते हैं, तो आप देख सकते हैं डेट वाइज अगर हम लोग देख रहे हैं 24 को तुषार का एब्सेंट हो गया, बाकी प्रेजेंट प्रेजेंट अपनी एंट्री सही चल रही है। तो एक हमने जो एक्सेल वगैरह का जो सिस्टम रहता है हमने उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया कि किस तरह से हम डेट वाइज अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब इसमें किसी के अटेंडेंस गायब करके देखते हैं कि उसका क्या होता है, जैसे एक डेट और पीछे जाते हैं 24th के 22nd को नितिन नहीं था जैसे क्लास में, तो यहाँ से बैक करेंगे मार्क अटेंडेंस 22nd को नितिन नहीं था, तो नितिन का हम लोग छोड़ देते हैं, ना प्रेजेंट ना अब्सेंट। अब देखते हैं नितिन के केस में क्या ये कोई एंट्री ब्लैंक बना रहा है या सही चल रहा है, तो 1 2 3 4 छूट गया ना एक, नहीं तो हमारा 5 एंट्रीज है, तो रिकॉर्ड हटाने से ये फ़ायदा होगा, यानी कि मेरी चॉइस है किसकी लगानी है किसकी नहीं लगानी है उसके अंदर, तो वो अब बार बार रिकॉर्ड करके जैसे नीचे डबल एंट्री बनी है ये वाला फॉल्ट नहीं होगा आपका, समझ गए। तो जैसे अब मैंने नितिन की एंट्रीज में डालनी है, तो मैं यहाँ पर अब्सेंट उसका मार्क कर लेता हूँ, बैक जाके मार्क अटेंडेंस नितिन जो था वो अब्सेंट था 22nd को, बोला मार्क अटेंडेंस और बैक एंड व्यू, तो आप यहाँ पर देखें नितिन की एंट्री। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जिस आईडी पर आपने जिसको स्टोर कर रखा है बैकएंड में उसी फ्लो में ही आपका डेटा बन रहा है, देखो अभिषेक तुषार नीरज नितिन सौरभ हर जगह यही चल रहा है ना सेम ऑर्डर, यहाँ पर अभिषेक अभिषेक की दो एंट्री, तुषार की देन लास्ट में नीरज की एंट्री, तो यहाँ
पहला वाला टेस्टिंग वाला 29th वाला अवॉइड करके अगर आप ऊपर का देखें तो बिल्कुल सही सिस्टम हमारा बनके तैयार हो गया अटेंडेंस का। तो अब हम लोग इसमें जैसे कोई अब्सेंट है तो उसका आगे एक रिमार्क का हम लोग बना सकते हैं फील्ड कि भाई अब्सेंट है तो क्यों है, कैजुअल लीव है या सिकनेस लीव है, किस तरह की लीव है, तो वो अपना सारा रिकॉर्ड वगैरह अपना मेंटेन किया जा सकता है। तो डेट वाइज लगाने से 1 से लेके आपको अब इसमें अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग लगा दो लेटेस्ट से लेके नीचे जाएगा, अदरवाइज ओल्डर डेट पहले आएगी तो करंट डेट आपकी नीचे आएगी इसके अंदर। तो हमारा जो ये पोर्टल है बेसिकली ना aptrack.asia, अगर हम लोग इसमें आते हैं तो इसका जो मैकेनिज्म है काम करने का वो कुछ ऐसा ही है। जैसे यहाँ पर आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस लगती है आफ्टर क्लास, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फील्ड की किस बैच की अटेंडेंस लगानी है, इतने सारे नंबर ऑफ बैचेस हैं सभी फैकल्टीज़ के अलग अलग, तो वो चीज़ हो गया। तो जैसे यहाँ से मैंने कोई भी एक बैच ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से फिर हमारे पास क्या किस कोर्स में लगानी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं जैसे हमारा जो कोर्स कोड है, अच्छा सो मेंशन नहीं है, वैसे 3116 होना चाहिए, फाइंड आउट करते हैं नीचे। तो हमारे WDD है, GWDD है, से हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं जैसे टर्म 1, और या हम लोग यहाँ से ले लेते हैं टर्म 2 सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो तुम्हारा तो मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही सर्च करके देखता हूँ कि भी फैच अदर बैच अगर कोई बच्चा हो तो यहाँ पर आ जाए। तो आ गए यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो मैंने पहले में रेडियो लगाया हुआ है, हम यहाँ पर हमने इसमें चेकबॉक्स का यूज़ किया हुआ है, बात वही है, सबको एक साथ मार्क करना है सेलेक्ट ऑल और यहाँ से मार्क हो जाएगा। और अगर हमें इंडिविजुअल किसी का लगाना है कि ये प्रेजेंट है ये एब्सेंट है एग्जांपल के लिए, तो हम लोग वैसे मार्क करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड मार्क हो जाएगा, चेक कर दिया वो प्रेजेंट है और वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो मतलब एब्सेंट मतलब उस डेट पर ये एब्सेंट है, बट ये वैसे डेटाबेस में एब्सेंट नहीं मार्क होंगे, हो सकता है बाद में बच्चा है तो उसका फिर कोई दूसरा बैच अलॉट हो तो उसके हिसाब से फिर वो डेट ऊपर सेलेक्ट होकर फिर मार्क हो। तो ये जो मैकेनिज्म आप देख रहे हो इसका मैंने एक छोटा सा वर्जन आपको दिखाया है कि अटेंडेंस वाला सिस्टम कैसे काम करता है। तो आप ये देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है तो ये तो आपको पता लगा आईडी है, तो मैंने आपको आईडी को करेक्ट करना भी सिखा दिया कि जैसे अगर मान लो बैकएंड से कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट हुआ, वैसे तो जनरली मॉडल में क्या होता है हम लोग कोई एंट्री डिलीट कराते नहीं है, यूज़र के लिए डिसेबल कर देते हैं उसका, जैसे वो कहते हैं डिलीट माई अकाउंट, तो अकाउंट उसको लगता है डिलीट हुआ बट डिलीट नहीं होता, डिसेबल होता है वो, मतलब उसको फिर कभी चला नहीं सकता यूज़र, ठीक है। क्योंकि अगर डिलीट होगा तो फिर किसी और के पास जाने के उसके चांस रहते हैं तो वो गड़बड़ हो जाता है रिकॉर्ड। तो यहाँ पर ये काउंट वाला जो हमने सिस्टम सीखा था कि काउंट प्लस प्लस, तो यहाँ पर बैकएंड में अगर कुछ गड़बड़ भी होगी तो भी यहाँ पर 1 2 3 4 सिक्वेंस में आएगा। स्टूडेंट आईडी को आपको पता चलेगा कि बैकएंड में जब यूज़र को पहली बार एडमिशन डाला गया होगा तो ये रजिस्ट्रेशन वाली टेबल से एनरोलमेंट नंबर निकाला हुआ है इसके अंदर, वहीं से नेम आ रहा है, ईमेल स्टेटस नो या अगर यस होगा तो यहाँ पर लिखा है ईमेल वेरीफाई हुआ बच्चे का या नहीं हुआ, फिर उसका कोर्स क्या है बच्चे का या कौन से बैच में उसको डाला गया। तो ये सब अलग अलग टेबल है, ये डेटा कहाँ से है, ये जो डेटा आ रहा है मेजर हमारा ये आ रहा है जो स्टूडेंट पहली बार रजिस्टर हुआ हुआ जब एडमिशन डाला हुआ, और ये जो बैच वाला टेबल है ये अलग टेबल है, कोर्स की अपनी अलग टेबल चल रही है, या फिर कोर्स वो वाला टेबल आ रहा है जहाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने देखो कोर्स चूज़ किया है तो ये अलग एक टेबल है, बैच एक अलग टेबल है, सेमेस्टर एक अलग टेबल चल रही है। तो मतलब इनर जॉइन इनर जॉइन इनर जॉइन ऐसे डेटा एक दूसरे से लेके पूरा ये पार्ट बन के तैयार हुआ। तो जब इसकी रिपोर्ट हम लोग चेक करते हैं जैसे एकेडमिक रिपोर्ट्स और यहाँ से स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस होता है कि भाई हमें किस डेट से लेके किस डेट तक का डेटा चेक करना है।
तो यहाँ से मैंने बोला ऑल बैच और यहाँ से ऑल बोला, या फिर मैं पर्टिकुलर जैसे अगर मेरी अटेंडेंस लगी होगी एक सेकेंड कौन सा सेंटर चल रहा है हमारा, क्योंकि मेरे टोटल पे दो काउंट चलते हैं, ये साउथ एक्सटेंशन है। हाँ तो मेरा यहाँ दिखाएगा नहीं क्योंकि मेरा प्रीति विहार से चलता है, तो चलो व्यू रिपोर्ट करेंगे शायद उसमें नहीं मारा है। हम पर्टिकुलर ट्रेनर का भी देख सकते हैं किसका देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसे मार्क होता है अटेंडेंस, तो जैसे कि दिल्ली साउथ एक्सटेंशन, क्योंकि हम लोग साउथ एक्स की रिपोर्ट निकाल रहे हैं, यहाँ से स्टूडेंट आई डी, यहाँ से बच्चे का नेम नाम आ जाएगा, डेट किस डेट में मार्क हुई है, यहाँ से बैच क्या कोर्स है, सेमेस्टर कौन सा है, मॉड्यूल कौन सा है, सेशन कौन सा है, किसने लिया, ठीक है, और आगे स्टूडेंट सिग्नेचर और मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट फिर आप जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहे, एक्सेल में, पीडीएफ में, वो सब पॉसिबल है फिर उसे। तो ये ऐसे 9 पेज की रिपोर्ट है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है। तो ये है विद्यासागर सर का, दीप जॉय सर का, इसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर फिल्टर भी कर सकते हैं कि किस ट्रेनर का हमने रिपोर्ट यहाँ से जनरेट करना है। तो जैसे सभी ट्रेनर का मिला के 9 पेजेस बनते हैं मई मंथ में स्टार्ट से लेकर टिल डेट तक, करंट डेट तक का। अगर हम लोग सिर्फ विद्यासागर को रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से, तो हमें जो डेटा होगा वो बैकेंड से प्रोसेस हो रहा है ऊपर, तो 5 पेजेस में मिस्टर विद्यासागर के यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो जैसे किसी पर स्टेटस लिखा रहा है फाइनेंशियल ड्रॉप आउट, फाइनेंशियल ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि बच्चे की फीस जो है वो जो मॉड्यूल चल रहा है उसके हिसाब से कम चल रही है, मतलब या तो बीच में उसने कहा पेमेंट अपनी नहीं करी है पूरी टाइम से, जिसके वजह से वो फाइनेंशियल ड्रॉप आउट भी दिखा रहा है। एक होता है अकेडमिक ड्रॉप आउट, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर कि बच्चे की अटेंडेंस टाइम से नहीं लग रही है, तो वो अकेडमिक ड्रॉप आउट में कंसिडर होता है इस तरह से। तो ये होता है पूरा एक ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है। बट हमने उसका एक बहुत बेसिक वर्जन देखा कि ये वाला, क्योंकि इसमें तो साइन इन साइन अप सारी चीज़ें, तो वो आप बना सकते हो। जैसे अभी हमारे साले पेज में क्या है, वो वाला सिस्टम नहीं है कि किस डेट से किस डेट का मुझे डेटा लेना है, तो वो हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो उस डेट रेंज के बीच का डेटा मुझे बैकएंड से रिक्वेस्ट करके फ्रंट एंड में दे देगा, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका थोड़ा सा लेवल अप और करेंगे कि भाई इसमें और जैसे फंक्शनैलिटी हमने ऐड ऑन करानी है तो कैसे ऐड हो उसके अंदर, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग रिपोर्ट जनरेट करने का भी इसमें सिस्टम बना देंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए किस तरह से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है। क्योंकि देखो सीधा सीधा अगर सीख रहे हो तो अब जैसे इनर ज्वाइन कभी आपको पता ही नहीं चलता कि कोई चीज़ होती है, तो इसलिए प्रोजेक्ट बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको और चीज़ एक्स्ट्रा पता चल जाती है कि कैसे अलग अलग जगह से डेटा मुझे ला के एक जगह पर मर्ज करना है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट मैंने अभी आपको दिखाया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे सेंटर का पूरा एक अलग डेटाबेस चल रहा है इसके अंदर, एकेडमिक्स का पूरा एक अलग डेटाबेस है, एग्जामिनेशन का पूरा एक अलग डेटाबेस चल रहा है इसके अंदर। तो ये मतलब एक डेटाबेस के अंदर सो मेनी टेबल्स हैं। तो डेटाबेस जैसे एपट्रैक हो गया मेन, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेंटर का एक अलग डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर एक और डेटाबेस, उसके अंदर फिर और डेटाबेस, इस तरह से। तो मान लो 250+ सेंटर अगर इन इंडिया है, तो एपट्रैक मान लो डेटाबेस का नेम है, तो उसके अंदर 250 सेंटर्स के अलग अलग नेम होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसमें एक और सिस्टम ये भी लगा हुआ है कि जैसे मान लो आज एक नया सेंटर खुला, ठीक है, तो क्या होता है कि ये वाला व्यू तो सबके लिए सेम ही है ना। तो इस केस में क्या है कि जैसे हम लोग वो नए सेंटर का रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उसके नाम से डेटाबेस पीछे अपना बन जाएगा। तो मैंने आपको क्वेरी से सिखाया हुआ कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, तो वो क्वेरी यहाँ काम आती है। तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो बने हुए डेटाबेस में यूज़र के इनपुट लेती हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि यूज़र जैसे एक नया अपना कोई विंग ओपन कर रहा है उसके अंदर ब्रांड के अंदर में, तो वो अपना भी उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से भी काम होते हैं। तो इसमें जैसे मान लो कि साउथ एक्सटेंशन वैसे सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है, बट मान लो कि आज कोई नई ब्रांच खुल जाती है मान लो मालवीय नगर के अंदर, तो मालवीय नगर वालों क्या करेंगे, एपटेक को रिक्वेस्ट करेंगे, एपटेक के जो पर्सनल हैं जो भी वहाँ पर टेक केयर करते होंगे, तो वो बैकएंड वालों से नहीं बोलेंगे भी इसमें कुछ कर दो, उन्हें पता है यहाँ कैसे जाके नया सेंटर सेटअप करना है, इसके अंदर पूरा सेंटर का डेटाबेस वगैरह ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी, नॉर्थ नॉर्थ और, क्योंकि सारे कंट्रोल हैं उनके पास कि किस में खुला है, किस कहाँ खुला है सेंटर, दिल्ली एनसीआर में खुला है या यूपी में कहीं खुला है, कहाँ पर खुला है, तो ये सारे कंट्रोल उनके पास है। अब जो सुपर यूज़र होगा इनका, जो मेन है, वो जिस सेंटर का रिकॉर्ड चेक करना चाहेगा, यहाँ ड्रॉप डाउन से आकर सेंटर का नेम बदलेगा, यहाँ से चूज़ करेगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो यहाँ से नॉर्थ का कौन सा रीजन है, एरिया कौन सा है, फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन से चूज़ करेगा, पूरी रिपोर्ट एक ही जगह पर उनका देख सकते हैं, 250 ब्रांच है। तो समझ रहे हो कितना प्रोजेक्ट है। तो हम तो एक छोटा सा लेवल देख रहे हैं इसके अंदर,
ऐसे बड़े बड़े, अब ये उसको बनने में कई साल लगे, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत जल्दी बन गया। बनने के बाद बहुत सारे ग्लिच रहे इसके अंदर, तो एक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है कि मान लो कि काम एक बनाया चला रहे हैं, पहले इसमें जो बग्स आते हैं 2008 में जब हमने ये डेवलप करा था तो क्या होता था कि अटेंडेंस ओवरफिल हो जाती थी। मतलब जैसे मान लो कि एक मॉड्यूल की 10 क्लास है तो अटेंडेंस 10 की जगह 20 भी लग जाती थी। अब वो पता ही नहीं होता था कि 20 आ कहाँ से रही है इसके अंदर, तो वो कोड में ग्लिच थे, वो अननेसेसरी टेबल को लूप करते जा रहा था। हम लगाते जा रहे हैं, अटेंडेंस लगती जा रही है, फिर उसके अंदर डिसेबल का सिस्टम डाला हमने कि भाई होता है। अब 20 कैसे हो रही थी, मान लो जैसे मैंने पहले बच्चे की अटेंडेंस लगा दी एक डेट पर, तो जब मैं दोबारा उस डेट पर आता था चेक करने के लिए वो अनमार्क दिखता था, तो हमने फिर पकड़ के दोबारा लगा दी, तो एक की दो एंट्री बन गई, तो 10 की जो 200% होती थी वैसे हो जाती थी। फिर ये सिस्टम लगाया कि भाई जिसकी मार्क होगी उसको बंद करो, वो जब फैकल्टी लगाने जाए तो वो ऑप्शन डिसेबल आए उसका, इनेबल ना हो कि ये मार्क हो चुका है। फिर तीसरे जब डेट लेकर आया उसमें हमने ये करा कि भाई जो मार्क हो गया उसको दिखाओ ही मत, गायब कर दो उसमें से, जो बचे वही दिखाओ, कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो गई ना, ये प्रोजेक्ट जो इम्प्रूव हुआ। अभी भी बहुत बग्स हैं इसके अंदर बट बहुत सही हो गया पहले से। अब तो इसका जो सिस्टम है ना हमारा बहुत एडवांस हो चुका है, अब हेड ऑफिस में इसको कोई नहीं देखता, अभी पूरा एक ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब कि आपका कोर्स कम्प्लीट हुआ तो मुझे किसी को ये नहीं बोलना है कि अब तक मैं कॉल करें जी सर्टिफिकेट बना दो बच्चे का, ये सर्टिफिकेट अपने आप जनरेट कर देते हैं, ठीक है, कि आज आपने एग्ज़ाम दिया विद इन अ वीक, मैक्सिमम 15 डेज, डिपेंड करता है इस मॉडल में कितनी रिक्वेस्ट गई हुई है अलग अलग सेंटर से, तो उसके हिसाब से सर्टिफिकेट डिजिटल बना के आपके OV में डाल देता है खुद से। तो वहाँ पर क्या है, OV में हमने इसको एक सर्टिफिकेट का वो दे रखा है बना के, और वहाँ पर जहाँ पर नेम आएगा स्टूडेंट का और जहाँ किस डेट से किस डेट की पूछेगा वो डायनामिक बना दिया फील्ड। और जो एपटेक का डायरेक्टर है मेन, उसका साइन तो सेम ही रहेंगे सब में, लोगों का सब सेम रहेगा, तो जो चीज़ को डायनामिक करना है वो बना के वहाँ पर लगा दिया उसके। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊँ, कोई हमारे प्रीत विहार के बच्चे की अगर हम रिपोर्ट ओपन कर रहे हैं, सभी बेस्ट जो मैं तो अगर पर्सनली बोलूँ मैं तो होस्टिंग और प्रेफर करता हूँ। देखो पता क्या, सभी लोग ऑफर करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो अलग अलग जगह से खरीदते हैं, मतलब फुटकर, जैसे मैं हूँ तो मैंने कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया और एक कर लिया। अब एक जगह से लेते हो तो जैसे गो डैडी है, डोमेन सबसे सस्ता देता है, होस्टिंग बहुत महंगी देता है, उस पर जाओगे अगर आप बिग रॉक के ऊपर तो वो होस्टिंग सस्ती देता है, डोमेन बहुत महंगा देता है, तो क्या पैसे कहीं से बराबर कर लेते हैं। अब हमें पता है कि इनको जोड़ना कैसे, तो गो डैडी से डोमेन लिया, वहाँ से होस्टिंगर से होस्टिंग ले ली, उठाया आपस में जोड़ा, काम करते, तो ऐसे काम सही बन जाते हैं। तो जैसे ये वाला बैच हम लोग अगर देखें तो इन बैच में आप यहाँ अगर देखें तो ये बैच ना कंप्लीट हो चुका है इनका, ठीक है, ये बैच लिखा रहे थे फिग्मा फिनिश, मतलब ये एंड हो गया इस बैच का। तो जैसे मुझे अगर देखना है कि लेट्स से मुस्कान फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बच्ची का सर्टिफिकेट, तो हम यहाँ जाके लिखेंगे क्योंकि एज ब्राउज़र में सही चलता है, तो यहाँ लिखिए ऑनलाइन वर्सिटी, आप सभी के पास इसका एक्सेस होता है, ऑनलाइन वर्सिटी में आप आओगे और यहाँ पर हम जाके क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक, यहाँ से हमने ये एंटर किया और यहाँ से मैं इस बच्चे का, आपकी जो स्टूडेंट आईडी होती है वो उसका पासवर्ड होती है, ठीक है, हमने इसमें लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से मिलता है परफॉर्मेंस एंड स्टेटमेंट, और यहाँ से आपके ये मार्कशीट्स आ रहे हैं और ये आपका सर्टिफिकेट आ रहा है। मैंने सर्टिफिकेट को क्लिक किया, व्यू पर क्लिक किया, तो ये हमारा आ गया इसके अंदर। अभी पास जो सर्टिफिकेट है जैसे बैंक स्टेटमेंट होती है ना आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन, वैसे यहाँ पर ये है। M U
तो ये जो फील्ड है ये डायनामिक हो गया, 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 ठीक है, और ये पार्ट आपका डायनामिक हो गया और ये पार्ट आपका डायनामिक हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका इस तरह से बनता है, तो यानी कि ये डेट आपकी डायनामिक और ये सीरियल नंबर आपका डायनामिक, क्योंकि बैकेंड से जनरेट हो रहे हैं ना सब, क्योंकि किस कितने सर्टिफिकेट रिलीज हो चुके हैं। तो एट दी एंड इस तरह से आपका सर्टिफिकेट बन गया था। तो सर्टिफिकेट का मॉडल पहले से इसमें फीड किया हुआ है, बस जैसे ही बच्चे का एग्ज़ाम यहाँ से सबमिट हुआ अपना प्रोसेस करके, क्योंकि अब एक बंदे को अगर ये काम दिया जाए, बैठाया जाए, भाई तू सर्टिफिकेट ही बना खाली, तो बेचारा लिख लिख के पागल हो जाएगा कि भाई 250 सेंटर्स, पता नहीं एक सेंटर से अगर 10 भी बच्चे हो रहे हैं तो 2500 हो गए, वो तो उसकी ज़िंदगी ख़राब ही सारी करते करते, कि भाई मैं सर्टिफिकेट ही बनाता रहूँ बैठ के, उसमें गलती से मिस्टेक भी हो सकती है उससे। अब बैकेंड से क्या होगा, जब डेटा लिफ्ट हो गया आएगा तो बिल्कुल सही करेक्ट मैनर में जाएगा, तो ये फ़ायदा है। तो अब क्या होता है कि जब से ये वाली इम्प्लीमेंट हुई है 2019 से, तब से हमारे बच्चे का सर्टिफिकेट, जैसे आज आप एग्ज़ाम दो, हफ्ते भर के अंदर आपका डिजिटली सर्टिफिकेट बन के ओबी के अंदर पहुँच जाता है, तो ये फ़ायदा है। तो ये होता है सर्टिफिकेट, और यहाँ से मिलती है आपकी मार्कशीट कि किस में आपने क्या पढ़ा। तो जैसे लेवल वन व्यू, ये मार्कशीट आती है इस तरह से, ठीक है। तो जिसमें जो जो आप टॉपिक पढ़ते हो ना, फिर उसमें क्या परसेंटेज आपकी आई है वो आता है नीचे लिखा हुआ। तो अरीना का जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ वैलिड होता है, खाली सर्टिफिकेट ले जाओगे तो वैलिड नहीं माना जाएगा, साथ में ये भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने कहीं से कुछ कंप्लीट किया, तो ये भी चीज़ें इसकी सारी क्या डायनामिक है, ये चीज़ें इसकी सारी क्या डायनामिक है इसका, क्योंकि ये सभी के उसमें मॉडल सेम ही आएगा। तो बस ये चेंज, यहाँ पर डेटा चला गया, यहाँ पर आपके मार्क्स आ गए, ये सब्जेक्ट आपका पूरा डायनामिक रहता है इसके अंदर, ये फिक्स है, और तो इससे काम जल्दी हो गया। अभी जैसे हमने एक कुछ वो डाल दिया, जैसे हमने अभी ये परफॉर्मेंस स्टेट मार्क्स बना के डाल दिए, हाँ, इसमें डाटा कैसे लेके आएंगे, करके दिखा दूँ इसको। ये फाइल जो है ना, ये डिजिटली जनरेट हो रही है पूरी पूरी, इसमें हर एक चीज़ होगी ना आपकी सेलेक्टेबल रहेगी, जैसे यहाँ से अगर आप पकड़ोगे ना पूरा, ये पूरा पार्ट गया है सेलेक्टेबल है हमारा इसके अंदर। जो चीज़ें इसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रही हैं वो क्या है, आपकी इमेज है इसके अंदर, तो जब आप इसका PDF अलग निकालोगे ना, फिर जैसे फोटोशॉप वगैरह में, तो मैं करके दिखा दूँगा आपको, समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। तो ये डेटा मैं आपको पहुँचा के दिखा दूँ, इवन दो कि मैं आपको ये भी दिखा दूँगा कि ये जो आपका डेटा यहाँ से जो सबमिट हुआ है, तो मान लो कि जैसे आपकी अटेंडेंस की आपको बोला जाए आपके ऑफिस के अंदर, भी इसकी PDF प्रिंट कर दो, तो वो भी कर सकते हो। तो जिसमें दिखाया था हमारे उसमें पोर्टल में लगा कि PDF बना दो, तो हम बना सकते हो, तो इसके लिए लाइब्रेरी लगती है फिर अलग से कन्वर्ट करने के लिए, कि इसका PDF बनाना है या एक्सेल बनाना है, जो भी आपको बनाना है, तो ये पूरा एक लाइब्रेरी होती है जो हम लोगों ने यहाँ देखी है इसके अंदर, मैंने शायद चेंज कर दिया। तो जहाँ पर वो रिपोर्ट आई थी लिखा था एक्सेल या वो या वो सारी चीज़ें, तो ये PHP सब बना सकती है फाइल, PDF बनानी हो, ZIP बनानी हो, सब बन जाती है, इसकी लाइब्रेरी आती है। जैसे यहाँ पर हम लोग सर्च करें PHP PDF जनरेटर, तो क्रिएट PDF फाइल यूजिंग PHP, तो ये यहाँ से हमें इसके कुछ वो लाइब्रेरी मिल जाती है, वो अपनी हमें बैकएंड में कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, और आपका डेटा जो है वो उसमें एक्सपोर्ट कर देता है। बहुत सारी चीज़ें जो लगा सकते हैं, बट हमारा जो आज का मेन वो था वो ये था कि दो जगह से डेटा कैसे लिखाया जाए अलग अलग से। एक जगह से लाना तो आपने देख ही रखा था कि भाई सेलेक्ट ऑल दिस इज दिस, और आपका फटाक से क्वेरी चलाया काम हो गया, तो चैलेंजिंग होता है अलग अलग जगह से डेटा को पिक करने का, वो आपका कंप्लीट है। तो ये जैसे हमने बना लिया, तो ऐसे आप जैसे ये अटेंडेंस सिस्टम हो गया, ऐसे आप स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो कि भाई मुझे एक बैच बनाना है एग्जाम्पल के तौर पर, तो बैच कैसे बनाओगे आप उसमें, तो उसको बनाना आना चाहिए। या जैसे मान लो कि जब ये पहली बार जब प्रोजेक्ट बना होगा, ठीक है, पोर्टल का जो हम लोगों ने देखा, तो स्टार्टिंग में जितने कोर्सेज नहीं होते थे, हर साल नए कोर्स लॉन्च होते थे, तो नए कोर्स कैसे जा रहे हैं उसके अंदर, तो ऐड कोर्स, तो यानी क्रड ऑपरेशन, डिलीट कोर्स, अपडेट कोर्स, मतलब जो क्रड सीखा है ना वही सारा काम कर रहा होता है, मेन चीज़ वही है, वो सबसे ज़रूरी आना, ठीक
क्योंकि क्रड जिसको आता है वो सारी चीज़ें मैनेज करवा सकते हैं कि कल को ये कोर्स हटा दो, नया लगा दो, या जो भी अपने काम को। वैसे हम लोग अपना कोई भी कोर्स डिलीट नहीं करते, नया ऐड करते हैं, क्योंकि पता चला एक स्टूडेंट है कि जिसने 10 साल पहले कोर्स करा लेकिन ड्यू टू एनी रीजन उसे बीच में छोड़ दिया। अब वो आता है तो कैसा कि जी फीस ले लो, मेरा सर्टिफिकेट दे दो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो क्या है कि अब वो हमने डिलीट कर दिया तो बच्चा कैसे मिलेगा, ये भी किस कोर्स का दें इसको। तो इसलिए हम लोग रखते हैं सारा। जैसे अभी आपने जब देखा था लॉगिन मैंने किया था तो 2005 तक के कोर्सेज जो थे सारे इसमें आ रहे थे। तो पोर्टल बना था 2007 से लेके 8 के बीच में, उससे पहले सारा कुछ ना पेपर वर्क होता था। अब सोचो, अब जैसे ये ब्रांच है इतनी पुरानी है, 1996 से लेके कहाँ तक रिकॉर्ड रखे जाते हैं यहाँ पर, कुछ मिसहैप नहीं हो जाए, आग लग जाए, दीमक लग जाए, चूहे खा जाए, नहीं पता ना। डिजिटल है तो अपना कहीं से भी रिट्रीव किया जा सकता है। तो इसमें जो डेटा डाला वो 2005 से डाला, बना जबकि 2007 से 8 के बीच में, लेकिन 5 तक का डेटा इसमें इंजेक्ट हुआ है कि चलो आगे का नया डालो, पीछे का छोड़ो, जिनको दे दिया दे दिया, मैं यहाँ पे काम करूँ। अब से सारा कुछ डिजिटल। अब डिजिटल होने का फ़ायदा ये कि जैसे बिजनेस में क्या होता है कि भाई किस सेंटर ने कितना बिजनेस किया, कॉल कर करके पूछो, उससे अच्छा सामने अपने डैशबोर्ड पे दिख रहा होगा ना कि भाई किस सेंटर का क्या चल रहा है। डिजिटल होने का ये फ़ायदा है। अब जैसे हमारा ये सेंटर है तो यहाँ पर क्या है ना, ये 7 ब्रांच है इसकी, जैसे तो यहाँ पर चलता है एक्सेल सिस्टम। शाम को एक जगह कंसोलिडेट करके रिपोर्ट बनती है कि किस सेंटर का कितना बिजनेस हुआ, एग्जाम्पल। बट अगर यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बन जाए, एक मिनी पोर्टल अपना खुद का, कि भाई सभी सेंटर अपने अपने बिजनेस वाले भी आज की मेरी इतनी फ्रेश वॉकिंग जनरेट हुई है, तो मेन डैशबोर्ड पे आ जाए टोटल वॉकिंग्स, टोटल एडमिशंस, टोटल प्रोस्पेक्ट्स, टोटल फॉलोअप, टोटल न्यू लीड्स, तो हमें दिख रहा है कि आज मान लो सॉलिड आई है, मैंने उस पर क्लिक किया तो उसमें अब ये टेबल खुल जाए कि भाई किस सेंटर के पास कितनी फ्रेश लीड जनरेट हुई है या कितने वो कन्वर्ट हुए हैं। तो मैं अगर 4-5 कंपनी का या 7 कंपनी का ऑनर हूँ तो मुझे पता होगा ना, मुझे ये नहीं पूछना हाँ जी एक्स पर्सन से मैं पूछूँ कि बताओ जी तुम्हारे में कितना हुआ, तुम्हारे में कितना हुआ, तुम्हारे में कितना हुआ। या एक बंदा जो फालतू में यही काम करने के लिए लगाया गया है कि भाई तुम बैठ के रिसर्च की रिपोर्ट बना, तो ये काम डिजिटल में ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। कि भाई मान लो, हो सकता है आज उस बंदे कुछ काम आ गया, आज की रिपोर्ट भी नहीं बनी, मुझे नहीं पता आज के मेरा बिजनेस को। तो इसलिए लोग धीरे धीरे डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो, डिजिटल से फिर लोग और एडवांस में चले गए मॉडल में, AI वगैरह सारी चीज़ें क्यों आई, ताकि वर्क एफिशिएंसी और ज़्यादा स्मूथ हो जाए, डिपेंडेंसी कम से कम हो लोगों की। तो अगर मैं अरीना के मॉडल की बात करूँ, तो अगर आज मैं इस तरह का एक मॉडल बना दूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे बनाना है, महीना भर लगेगा पूरा कोड लिखने में, ठीक है, तो कम से कम 7 सेंटर से 7 लोगों की जॉब चली जाती है उसके बाद, कि भाई इनका तो काम ही है तो ये सारी चीज। फिर तो जो काउंसलर एडमिशन ले रहे हो वो तो सीधे एंट्री कर देंगे जी, ये इंक्वायरी आई है, उसके पेपर भरवाने की जरूरत नहीं, जी लीड लिखो या गूगल फॉर्म बनाओ, वो देते हैं जब जो नया आता है उसे पेन टैप देते हैं डिजिटल लिखने के लिए, उसकी एक एक्सेल बनती, फिर भी उसके बाद एंट्री करनी पड़ी रही है ना। तो जो बच्चे से करा रहे हो जो, या तो अगर बच्चे ने जो लिख दिया तो तुम्हारे पास डेटा बन गया, आगे का उसका स्टेटस लिख दो कि कन्वर्ट हुआ यार नहीं हुआ, तो काम आसान हो गया ना। अब वो तुम्हारे वाले को लेकर फिर आगे काम करती है उसके, तो डबल मेहनत है ना नेसेसरी। या जैसे मान लो कि 10 लीड आए सेंटर के अंदर, मेरे पास 5 काउंसलर हैं, तो मैं उसको कैसे डिवाइड करूँ बीइंग अ सेंटर हेड, कि भाई किसको कितनी कितनी इंक्वायरी ली है या फिर किसका क्या कन्वर्जन चल रहा है। अब मुझे मंथ एंड पर ये देखना पड़ता है एक पूरी रिपोर्ट बना के कि भाई किसने कितने कितने किए, मुझे यहाँ डेली सबका दिख रहा होगा भाई किसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो वो अगर एक कॉम्पिटिटिव अगर आपने वो जनरेट करना है, तो सब जो एम्प्लॉयज सुबह इसमें काउंसलर लॉग इन करके बैठे तो सबको अपनी प्रोग्रेस दिख रही है, मेरा कन्वर्जन ये, मेरा ये, मेरा ये, या दूसरे का क्या चल रहा है, तो मुझे अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। अब यहाँ तक पता नहीं किसका क्या चल रहा है जी, टोटल हो रहा है बात। तो डिजिटल से बहुत सारी चीज़ों को बूस्ट किया जा सकता है, अच्छा लिफ्ट मिलता है। तो इसलिए ना ये जो बड़े बड़े CRM आए क्यों आए, जैसे मान लो कि एक इंक्वायरी आपके पास मैंने कॉल किया, ठीक है, आप अभी बिजी हो या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो याद रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं हो सकता भूल गया, यानी कि मेरी एक प्रॉस्पेक्ट मैंने ख़राब कर लिया। अब डिजिटल होगा तो मेरे पास मैं उसमें एक सिस्टम डाल सकता हूँ रिमाइंडर का, क्योंकि आपने बोला भी मुझे 12 बजे के आसपास कॉल करें, मैं तुरंत सेट करके 12 बजे तुरंत सिस्टम से पॉपअप आया कि इस बंदे को कॉल करनी है। तो देखते हो आपके पास कंपनी से जो कॉल आते हैं वो एग्जैक्ट टाइम पर आते हैं। तो क्यों आते हैं, क्योंकि डिजिटल है, CRM बना हुआ है सेल्स फोर्स के पास, उन्होंने फीड किया इस टाइम पर बंदे को कॉल जाएंगे, सिस्टम से पॉपअप आया तुरंत उन्होंने उठाया डायल कर लिया, तो इससे लीड नहीं छूटती है। तो काम बढ़िया बना ना इससे, यानी फेलियर के चांसेस कम हो गए। तो दोनों का अगर बैलेंस बहुत अच्छा हो, एक बंदा और एक डिजिटल मैकेनिज्म,
तो हमारा बिजनेस डेफिनेटली बूस्ट होता है। ये मैनुअल वाला सिस्टम कंप्यूटर के लगाने के बाद भी मैनुअली किया तो फिर क्या ही था? तो इसलिए बहुत अच्छे अच्छे कोड लिखे गए, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हुई हैं। ये तो पहले हमारा ये अटेंडेंस वाला सिस्टम था, तो ये डिजिटल करने का हमें ये फ़ायदा होगा। अब ये ना इसकी कई जगह पर ट्रैकिंग है, तो जैसे मान लो कि हमें एंड में रिपोर्ट जनरेट करनी होती है तो यहाँ पर क्या होते हैं फार्मूला सारे सेट रहते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने इसका हटा रखा है, तो जैसे अगर आप यहाँ क्लिक में देख रहे हो सारा कुछ, तो मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का पता चल जाएगा इसके अंदर भी, हर शीट में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं, या जैसे यहाँ पर आज की डेट में कितने बच्चों ने अटेंडेंस लगी, ठीक है, या इस डेट में कितने बच्चों की अटेंडेंस लगी। तो ये तो हमारा जैसे एंडलॉफ है, टी टी एस का देखते हैं अगर टी टी एस का चल रहा होगा, नहीं यहाँ का भी इन्होंने हटा दिया। तो इसमें क्या है कि मैंने सारी चीज़ लगा के इनको दी हुई थी, इसमें क्या था यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करोगे सेंड व्हाट्सएप इस वाले नंबर पर, तो ये नंबर डाला हुआ है, यहाँ से रिपोर्ट जनरेट होगी और सीधा आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो मैंने पूरा एक्सेल में बना के इनको दिया हुआ है सारा सिस्टम, मतलब कि तुम्हें ये नहीं देखना कि भाई आज कितने बच्चों ने क्लास ली, ये मैंने लगा रखा है, बाकी किसी के में नहीं था, या टोटल प्रेजेंट एब्सेंट कितने हैं। तो इसका ना इधर पूरा सारा रिकॉर्ड बन जाता है इधर आके अपना। तो ये देख लो व्हाट्सएप ए पी आई वगैरह सब लगा हुआ है, एंड ए एट टेक्स्ट ए एट सेंड व्हाट्सएप मैसेज, तो ये अपने आप पूरा का पूरा मैसेज बना लेगा। और यहाँ से ये देखो इसमें अगर जाओगे तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है वेब लैब बैच स्टेटस। तो एक्सेल में ही बहुत कुछ हो जाता है, अगर एक्सेल को ढंग से चलाना आता हो तो यहीं पर सब सेट कर सकते हैं इसको। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, जैसे मान लो 5 बजे तक किसी का बैच है तो बैठ के वो काउंटिंग नहीं कर रहा भी कितने बच्चे किस शीट में, हो सकता है गलत काउंट कर ले, यहाँ रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी हर डेट के हिसाब से। इसका कोई ट्यूटोरियल है सर? किस चीज़ का? जो मार्क्सशीट देख दूंगा अगर कोई नेट पर मिल जाएगा, नहीं तो सिखा ही दूंगा बनाना, कोई ऐसी बड़ी चीज़ अपना ही रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।